कौन मार दिया है बेवकूफों को? हमारे गांव का पूरा आदमी अभी अभी ढिपिटोला पोखरिया और चिल्ली का आदमी कहाँ जाएगा? अभी ये रोड कट जाएगा तो कहाँ जाएगा, किसके पास जाकर के खड़ा होगा? अभी मैंने देखा वहाँ काशीबाड़ी में जो है लोग डूबा हुआ है, उसके घर में खाना नहीं पक रहा है, कौन आदमी खाना पका के ला करके वहाँ देगा? नीतीश कुमार दोगला, जब पूरा पूरा बिहार सैलाब में डूब जाएगा, जब हमारे बच्चे पानी में डूब के मर जाएंगे, जब हमारा घर के अंदर में गड्ढा पड़ जाएगा, तब तुम पर हेलीकॉप्टर की सैर करने के लिए आओगे? हम ऐसी सरकार को नहीं चाहते हैं और हम ऐसी कयादत को नहीं चाहते हैं। अब मर्जी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कयादत होगी, अब इसकी यहाँ पर अपना हम अपना हक छीन करके लेंगे। इसलिए नौजवानों, आज बदलाव का वक्त है, आप बदलोगे, पहले अपने आप को बदलने की कोशिश करोगे, तब यहाँ के हालात बदलेंगे। यहाँ के हालात आज 70 सालों में कुछ नहीं बदला, क्या बदला डॉक्टर साहब? नहीं बदला। इसमें खाली प्रतिनिधि की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। और प्रतिनिधि जो है, अगर कोई प्रतिनिधि आपका काम नहीं करता है, चाहे कोई भी हो, मुखिया, मेंबर, एमएलए, एमपी, कोई भी आपका प्रतिनिधि है, अगर वो सही ढंग से काम नहीं करता है, तो आईन ने आपको हक दिया है कि 5 साल के बाद आप उसको बदलिए। आप क्या मजबूरी है कि आप नहीं बदलते हैं? आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मत करो मेरे भाइयों, नौजवानों। अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आपने सबका बनाया, आरजेडी का प्रधानमंत्री बनाया, कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनाया, बीजेपी का प्रधानमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, किसी ने आपका काम नहीं किया। अगर आपको काम कराना है तो मस्जिद से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कयादत में यहाँ के नुमाइंदा को काम दीजिए, काम आप उसको जिताइए। मुख्यमंत्री कोई भी बनेगा तो काम होगा, आप देख लीजिए। भारत का प्रधानमंत्री बीजेपी सरकार, बीजेपी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उस नरेंद्र मोदी की सरकार रहते हुए 1 साल में इम्तियाज जलील साहब एयरपोर्ट बनाया और हॉस्पिटल बनाया। आपका कांग्रेस का एमपी क्या किया 1 साल में? एक कोई काम बता दीजिए, कोई नौजवान हाथ खड़ा करके कि हमारे एमपी साहब ने ये काम किया तो मैं दाद दूंगा। तो हम ऐसी कयादत को क्यों पसंद करेंगे? जिस कांग्रेस ने हमको 70 साल में खोखला किया है, उस कांग्रेस का दामन किस लिए हमने पकड़ेंगे? बेशक। इसलिए अपने मिजाज को बदलिए और कांग्रेस को बदलिए, ढोंगी सरकारों को बदलिए। अब मजलिस का हाथ थामिए, अख्तरुल ईमान साहब का हाथ थामिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ थामिए और देखिए मजलिस का कोई भी नुमाइंदा होगा तो वो आपका हक छीन करके आपको ला करके देगा। और जिस दिन नहीं ला करके दे पाएगा, उस दिन डॉक्टर अबू साहिब का गरेबान पकड़ लीजिएगा। मजलिस की कयादत को पहले मजबूत करके देखिए। और मजलिस करके दिखाती है, बोलती नहीं है। हम काम से सेकुलर हैं, हम काम करते हैं। अब देख लीजिए मेरे भाइयों, तेलंगाना में, आंध्रा में 1.45 रुपया बिजली पर यूनिट है। कितना है? 1.45 रुपया। और हमारे यहाँ बिहार में 6.75 रुपया। मैं गलत बोल रहा हूँ? आप लोग बिजली का बिल 1 यूनिट का 6.75, 7.25 रुपया अदा करते हैं। तेलंगाना की सरकार हमसे ज्यादा मजबूत, तेलंगाना में हमसे ज्यादा अमीर लोग, तेलंगाना में बरसात नहीं आती है, बाढ़ में नहीं डूबता है, वहाँ के लोग दूसरी जगह मजदूरी करने नहीं जाते हैं, और यहाँ बिहार में सीमांचल में हम लोग मजदूरी करने जाते हैं, हम लोग बारिश में डूब के मरते हैं, हम लोग सबसे ज्यादा पसमानदा हैं, हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज नहीं है, हम सबसे ज्यादा गरीब हैं। अगर हम दिल्ली, पंजाब, मुंबई, महाराष्ट्र कमाने के लिए नहीं जाएंगे तो हमारा घर का चूल्हा नहीं जलेगा। तो फिर हमसे 7.25 रुपया लिया जाता है एक यूनिट, ये नीतीश कुमार की दोगला सरकार हमसे 7.25 रुपया एक यूनिट का लेता है, और तेलंगाना में 1.5 रुपया लेता है, 1.5 रुपया से भी कम, 1.45 रुपया। ये हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है भाइयों। अगर इस जुल्म से बचना है तो आपको मजलिस की कयादत को मजबूत करना पड़ेगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करना पड़ेगा, अख्तरुल ईमान साहब के हाथ को मजबूत करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देंगे ना मेरे भाइयों? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। शुक्रिया मेरे भाइयों, अभी भी वक्त है समझने का। आप अपने 70 साल का मुहासबा कीजिए कि हमारे यहाँ क्या बदला, क्या नहीं बदला। देखिए ये जो रोड और पुल पुलिया बनता है ना, ये किसी सरकार के बाप का पैसा नहीं है, ये आपके टैक्स का पैसा है। आपने जो हर चीज खरीदा है, मोबाइल खरीदा है, टी शर्ट खरीदा है, जूता खरीदा है, चप्पल खरीदा है, यहाँ तक के खाने पीने का भी आप सामान खरीदते हैं, तो उसमें एक पैसा सरकार को परसेंटेज टैक्स में जाता है, वही पैसा सरकार के खजाने में जमा रहता है। सरकार के बाप का पैसा नहीं है, ये हमारा कमाया हुआ पैसा है, और इस हक को छीन करके यहाँ इस्तेमाल करना, ये हमारी हक है, हमारा हक है, हमारा संवैधानिक हक है। जब तक हम इसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे मेरे भाइयों, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो फिर ये हमसे, ये हमारा इसी तरह से हकमारी करता रहेगा, जैसे आजादी के बाद से आज तक सीमांचल के लोगों की हकमारी करता आया है। अरे भाई, आप लोग जान हथेली में रख करके सो रहे हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है। महानंदा का जलस्तर अगर मान लिए 6 फीट भी, अगर 2-3 फीट भी और ऊपर उठ जाए तो यहाँ के अस्तित्व मिट जाएगा। मिटेगा कि नहीं मिटेगा भाइयों? मैं गलत बोल रहा हूँ?